अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, टैग टीवी के पाकिस्तानी स्टूडियो से मैं हूं बुशरा खान। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। तोशाखाना रेफरेंस, इमरान खान और बुशरा बीबी को 14-14 साल कैद की सज़ा। बुशरा बीबी ने अडियाला जेल पहुंचकर खुद गिरफ्तारी दे दी। बुशरा बीबी और बानिए पीटीआई को अलग अलग सेल्स में रखा जाएगा। इलेक्शन में इमरान खान समेत तमाम उम्मीदवारों को यकसा मीडिया कवरेज देने का हुक्म। लाहौर हाई कोर्ट का कहना है कि आज़ादी इजहार के बगैर इंतखाबात को साफ और शफाफ नहीं कहा जा सकता। इलेक्शन मुहिम और अपना मंशूर बताने की तशहीर बुनियादी हक है। ऐसा हुक्म नहीं देना चाहते जिससे इलेक्शन में ताखीर हो, सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस जमाल मंदुखेल ने पीपी 224 से उम्मीदवार की कागजात नामजदगी की मंजूरी के लिए दायर अपील पर समाप्त की। अगर इस्टेब्लिशमेंट के करीब होता तो जेलें ना काटता, शहबाज शरीफ। पाकिस्तान इंतखाबात के फाइनल मरहले में दाखिल हो चुका है। 8 फरवरी को आवाम वोट के जरिए अपनी तकदीर का फैसला करेंगे। हालात दुरुस्त सिंह में हों तो शबाना रोज़ मेहनत करके चैलेंजेस पर काबू पा सकते हैं। इमरान और नवाज शरीफ मकाफात अमल इस दुनिया में देखेंगे। बिलावल का कहना था कि आजकल कुछ लोग लेवल प्लेइंग फील्ड के लिए रो रहे हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी को किसी इलेक्शन में लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली। हेडलाइंस आपने जानी और अब शामिल करेंगे खबरों की तफसील। Laundry is no longer a hassle. Just toss an EcoFresh detergent strip into the washer for a convenient, eco-friendly yet powerful wash. Hypoallergenic, safe for sensitive skin. Say no to bulky plastic jugs and bottles. No more measuring and spilling. Just one strip for a load. Simple and squeaky clean. Plastic-free, biodegradable packaging. Organic, paraben, phosphate, dioxane and cruelty-free. Order now at www.ecofreshcanada.ca or at Amazon. क्या आप कनाडा की इमिग्रेशन और सिटीजनशिप लेना चाहते हैं या कनाडा में स्टडी करना चाहते हैं? लाइटो इमिग्रेशन न सिर्फ आपको कनाडा की इमिग्रेशन और सिटीजनशिप दिलवाने में आपकी मदद कर सकते हैं, बल्कि आपको कनाडा में सेटल और इन्वेस्ट करने के रास्ते भी सुझा सकते हैं। Lito Immigration is a regulated Canadian immigration consultant. We deal in study, work, PNP and PR visas. Get startup visas, work permit and business visas. We rise by lifting others. Lito Immigration. तोशाखाना रेफरेंस में बानी पीटीआई इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी को 14-14 साल कैद की सजा सुना दी गई। मजीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। तोशाखाना रेफरेंस में बानी पीटीआई इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी को 14-14 साल कैद की सज़ा सुना दी गई। बानी पीटीआई बुशरा बीबी को मजमूई तौर पर 1574 मिलियन रुपए जुर्माना किया गया। बानी पीटीआई बुशरा बीबी 787 मिलियन रुपए फीकस जुर्माना अदा करेंगे। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने अडियाला जेल में केस की समाअत करते हुए इमरान खान और बुशरा बीबी की अदम मौजूदगी में फैसला सुनाया। डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल नायब सरदार मुजफ्फर अब्बासी भी टीम के हमरा अदालत में पेश हुए। बानी पीटीआई को 10 साल के लिए नाअहली की सजा भी सुनाई गई, जबकि दोनों 10 साल तक किसी भी अवामी ओहदे के लिए अहल नहीं होंगे। समाअत के आगाज पर जज मोहम्मद बशीर ने कहा कि खान साहब, आपने 342 का बयान तैयार किया है, जिस पर बानी पीटीआई ने कहा कि जी मैंने तैयार किया है, मेरे वकला और बुशरा बीबी को आने दें तो मैं अपना बयान जमा करवा दूंगा। जज ने कहा कि आप अपना बयान अदालत में जमा करवाएं, हमने कार्रवाई आगे बढ़ानी है। बानी पीटीआई ने कहा कि आपको इतनी जल्दी क्या है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हमारी हुक्म इम्तना की दरख्वास्त खारिज कर दी है। मुझे तो असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ने हाजिरी लगवाने के लिए अदालत बुलाया। बानी पीटीआई ये कहकर कमरा अदालत से अपनी बैरक रवाना हो गए। अदालत ने बानी पीटीआई को दोबारा कमरा अदालत बुलाने के लिए पैगाम भेजा। असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जेल ने अदालत में बयान दिया कि बानी पीटीआई कमरा अदालत आने के लिए तैयार नहीं, जिस पर अदालत ने बानी पीटीआई बुशरा बीबी का नाम पुकारने की हिदायत कर दी। अदालती अहलकार ने ऊंची आवाज में बानी पीटीआई बुशरा बीबी का नाम पुकारा, लेकिन पुकार के बावजूद बानी पीटीआई अदालत नहीं आए। साबिक वजीर आजम इमरान खान और बुशरा बीबी के पेश न होने पर अदालत ने फैसला सुनाया। फैसले के बाद बुशरा बीबी गिरफ्तारी देने के लिए खुद अडियाला जेल पहुंची, जहां उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। बुशरा बीबी और बानी पीटीआई को अलग अलग सेल्स में रखा जाएगा। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता रोज ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत ने बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी को साइफर केस में 10-10 साल कैद की सजा सुनाई थी।
अदालत ने इंतखाबात के दौरान इमरान खान समेत तमाम उम्मीदवारों को यकसा मीडिया कवरेज देने का हुक्म जारी कर दिया। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। अदालत ने इंतखाबात के दौरान इमरान खान समेत तमाम उम्मीदवारों को यकसा मीडिया कवरेज देने का हुक्म जारी कर दिया। हाई कोर्ट ने अपने तहरीरी फैसले में कहा है कि आईन का आर्टिकल 17 हर शहरी को आज़ादी इजहार राय समेत दीगर हुकूक फराहम करने का पाबंद करता है। आम इंतखाबात के लिए इलेक्शन मुहिम और अपना मंशूर बताने की तशहीर बुनियादी हक है। साफ शफाफ इंतखाबात के लिए आज़ाद मीडिया के जरिए आज़ादी इजहार राय होनी चाहिए। आज़ादी इजहार के बगैर इंतखाबात को साफ और शफाफ नहीं किया जा सकता। अदालत ने आम इंतखाबात में बानी चेयरमैन पीटीआई इमरान खान समेत तमाम उम्मीदवारों को यकसा मीडिया कवरेज देने का हुक्म जारी कर दिया। अदालत ने अपने तहरीरी फैसले में नवाज शरीफ और बेनजीर भुट्टो केसेस के फैसलों का हवाला भी दिया गया। वाज़ेह रहे कि बानी चेयरमैन पीटीआई ने टीवी चैनल्स पर कवरेज न मिलने का इकदाम हाई कोर्ट में चैलेंज किया था। सुप्रीम कोर्ट ने कागजात नामजदगी की मंजूरी से मुतालिक केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स दिए कि हम ऐसा हुक्म नहीं देना चाहते जो इंतखाबात में ताखीर का बाइस बने। मजीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि ऐसा हुक्म नहीं देना चाहते जिससे इलेक्शन में ताखीर हो। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस जमाल मंदुखेल ने पीपी 224 से उम्मीदवार की कागजात नामजदगी की मंजूरी के लिए दायर अपील पर समाअत की, जिस सिलसिले में स्पेशल सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन अदालत में पेश हुए। दौरान समाअत अदालत ने कहा कि दरख्वास्त गुजार ने अपील दायर करने में 12 दिन की ताखीर की। बर वक्त अपील दायर होती तो इंतखाबात के लिए इजाज़त मिल सकती थी। हम ऐसा हुक्म नहीं देना चाहते जो इंतखाबात में ताखीर का बाइस बने। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ ने कहा है कि मैंने जेलें काटी, नैब के अकूबत खाने में गया, अगर इस्टेब्लिशमेंट के करीब होता तो ये ना होता। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान इंतखाबात के फाइनल मरहले में दाखिल हो चुका है। 8 फरवरी को आवाम वोट के जरिए अपनी तकदीर का फैसला करेंगे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को सियासी, मौशी और खारजी चैलेंजेस का सामना है। हमें इस बात का एहसास है कि पाकिस्तान को जिस मकसद के लिए बनाया गया वो पूरा ना हो सका। पाकिस्तानी कौम में बेपनाह पोटेंशियल है। हालात दुरुस्त सिंफ में हो तो शबाना रोज मेहनत करके चैलेंजेस पर काबू पा सकते हैं। उनका कहना था कि चीन पाकिस्तान के 2 साल बाद आज़ाद हुआ, लेकिन आज वो कहाँ पहुँच चुका है। 70 की दहाई में हमारे अशारिये चीन से बेहतर थे, ऐसा क्या हुआ कि आज वो कौमें हमसे इतनी आगे निकल गईं। साबिक वजीर आजम ने कहा कि माजी से सबक सीखने की ज़रूरत है, अपने ज़ाती मफादात और इख्तलाफात से बालातर होकर आगे बढ़ने में ही कामयाबी है। 2018 में RTS को सोचे समझे प्लान के तहत बिठाया गया। RTS बिठाने के बावजूद हम जीत चुके थे। शहबाज शरीफ ने मजीद कहा कि नवाज शरीफ ने 40 साल की सियासत में बहुत से उतार चढ़ाव देखे। मेरे पूरे ख़ानदान ने सब्र के साथ तमाम मुश्किलात बर्दाश्त की। अगर पाकिस्तान दिवालिया हो जाता तो आज हम बदतरीन मुश्किलात का शिकार होते। गुज़िश्ता हुकूमत ने मुल्की मफादात के बरक्स IMF का मुआहदा रद्दी की टोकरी में फेंक दिया। कराची में ग्रीन लाइन मंसूबा नवाज शरीफ का तोहफा है। साबिक वज़ीर आज़म ने कहा कि PDM में जाने से हमारी मकबूलियत कम नहीं हुई। पाकिस्तान को दिवालिया होने से बचाने के लिए हमारी कोशिशों की वजह से मकबूलियत कम हुई। हमने अपनी सियासत को दाव पर लगाकर पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचाया। उनका कहना था कि नवाज शरीफ की लीडरशिप में आज नून लीग की मकबूलियत फिर बढ़ रही है। आवाम को यकीन है कि नवाज शरीफ कौम की तकदीर बदलेंगे। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि बानी PTI और नवाज शरीफ मकाफात अमल इस दुनिया में देखेंगे, जबकि नवाज शरीफ ने मकाफात अमल के तौर पर अपनी बेटी के साथ इंतकामी सियासत होते हुए देखी। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। मौलाकंड में जलसे से खिताब में बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि आजकल कुछ लोग लेवल प्लेइंग फील्ड के लिए रो रहे हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी को किसी इलेक्शन में लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली। चेयरमैन PP ने कहा कि हम तमाम मसाइल का मिलकर मुकाबला करेंगे। कहते थे मौसम खराब है और दहशतगर्दी है, इंतखाबात मुलतवी किए जाएं। तमाम पुराने सियासतदानों को कहना चाहता हूँ, आप मुल्की मईशत के साथ ना खेलें। बिलावल भुट्टो का कहना था कि बानी PTI ने नौजवानों को उम्मीद दिलाई कि वो तब्दीली लाएंगे, मगर बानी PTI ने जब हुकूमत बनाई तो U-turn लिए। आज के फैसले पर मैं जश्न नहीं मनाऊंगा, बल्कि बानी PTI को तौबा करनी चाहिए। उन्होंने मजीद कहा कि भुट्टो की बेटी के खिलाफ जाली केसेस बनाए गए। बानी PTI और नवाज शरीफ मकाफात अमल इस दुनिया में देखेंगे। नवाज शरीफ ने मकाफात अमल के तौर पर अपनी बेटी के साथ इंतकामी सियासत होते हुए देखी। चेयरमैन PP ने कहा कि मियां साहब चौथी बार वजीर आजम बनना चाहते हैं, वो करना क्या चाहते हैं? आवाम फैसला करें उनका वजीर आजम कौन होगा। PP ही वो जमात है जो शेर का रास्ता रोक सकती है और उसका शिकार कर सकती है। लिहाजा आवाम 8 फरवरी को सोच समझ कर वोट डालें। आपको हमारी शक्ल पसंद हो या ना हो,
मैदान में हम और वो खड़े हैं। उनका कहना था कि शहदा के खून का सौदा करने वाला बानी पीटीआई होता कौन है। बानी पीटीआई के फैसलों की वजह से दहशतगर्द सर उठा रहे हैं। कभी बर्दाश्त नहीं करूंगा कि दहशतगर्द दोबारा मुल्क पर मुसल्लत हों, उनका सर काट दूंगा। बिलावल भुट्टो ने कहा कि इख्तलाफात राय को सियासी दुश्मनी में क्यों तब्दील करें। आसिफ जरदारी का गला और जबान काटी गई, लेकिन उन्होंने पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाया। चेयरमैन पीपी का कहना था कि हुकूमत में आकर पहले दिन तमाम सियासी कैदियों को रिहा करूंगा, अशराफिया को तकलीफ पहुंचाऊंगा और आवाम को रिलीफ दूंगा। 17 वजारतों को बंद करके आवाम को रिलीफ देंगे, कच्ची आबादी को रेगुलराइज कराना और मालकाना हुकूक देंगे। मजीद खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा होंगी इस ब्रेक के बाद।